Hi. So today in this lecture we're going to discuss the point of differences between the bacterial photosynthesis and the plant photosynthesis. So photosynthesis, I hope आप सब लोगों को पता हो कि photosynthesis is a process in which the light energy gets converted into chemical energy. So photosynthesis plants के केस में भी होता है और बैक्टीरिया के केस में भी होता है. During evolution की अगर हम बात करें तो पहले बैक्टीरिया का evolution हुआ है, उसके बाद after some time, after some years or some million years ago, plants का evolution हुआ है. तो बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस देखी जाती है और प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस देखी जाती है, और तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में जिनको हम रिलेट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट. सो फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट कंपल्सरी होता है कि कोई पिगमेंट होगी तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. So in case of plants, the photosynthetic pigment involved in this process is chlorophyll A and chlorophyll B, while in case of bacteria, the photosynthetic pigment involved is bacteriochlorophyll. So in plants, the pigment is chlorophyll, and in bacteria, the pigment is bacteriochlorophyll. So second difference is on the basis of position of pigment. So in bacteria, chloroplast is absent. So chloroplast is a structure, is a double membrane structure in which chlorophyll is present. So this chloroplast is absent in case of bacteria while present in case of plants. So in case of plants, chlorophyll is present in the grana of chloroplast and closed by double membrane, while in case of bacteria, bacteria do not contain membrane bound chloroplast. Instead, the photosynthetic pigment is found in the folds of plasma membrane. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है. वहां पे ये जो पिगमेंट है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है. सो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स. सो इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अलॉन्ग विद दिस बैक्टीरियो क्लोरोफिल, अदर पिगमेंट्स लाइक बैक्टीरियोविरिडिन, एलिफेटिक कैरोटिनॉइड्स आर प्रेजेंट, व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट्स अदर देन क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स, कैरोटिनॉइड्स आर प्रेजेंट. Now the other point of difference is on the basis of their absorption spectrum. So in case of bacteriochlorophyll, light of wavelength around 800 nanometer. So इसमें लगभग 800 nanometer wavelength की light जो है वो absorb होती है photosynthesis के लिए, while in case of plant जो light falling in the visible spectrum region, that is between 400 to 750 nanometer. So in this region, if the light falls, तो उस टाइम पे जो क्लोरोफिल, जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसको वो ये होगी प्लांट उसको बोलेंगे प्लांट फोटोसिंथेसिस. एंड इन क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब्स टुवर्ड्स ब्लू एंड ऑरेंज लाइट. सो दीज लाइट्स फॉल इन द रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. सो दिस इज द रेंज फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज फॉर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. नाउ देयर इज अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिस्टम. सो दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस में. द वन इज नोन एज फोटोसिस्टम 1 एंड द अदर इज नोन एज फोटोसिस्टम 2. और उसी तरह से बैक्टीरिया के केस में सिर्फ एक सिंगल फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है, और हर फोटोसिस्टम का अपना एक एब्जॉर्प्शन, अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसको वो एब्जॉर्ब करता है. तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिस्टम 2 जो है वो 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. और जो इसमें फोटोसिस्टम होता है बैक्टीरिया के केस में, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट अराउंड 870 टू 960 नैनोमीटर की रेंज में. अब रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया में रिड्यूसिंग एजेंट H2S यूज होता है, व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट्स जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो H2O यूज होता है. तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन हमें पता है कि बैक्टीरिया का ओरिजिन पहले हुआ और प्लांट्स का बाद में. तो जो पहले का एनवायरनमेंट था हमारा वो रिड्यूसिंग था, और H2S जो था तब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया सबसे पहले ये यूज़ किया जाता था. फिर धीरे धीरे जब हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट कन्वर्ट हुआ, तो धीरे धीरे H2O बना. और फिर जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो फिर इस H2O को यूज़ किया प्लांट ने. तो अब दो टाइप की फॉस्फोराइलेशन होती है, एक होती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक होती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. प्लांट्स के केस में दोनों प्रोसेस होती है, साइक्लिक भी नॉन साइक्लिक भी, बट जनरली जो प्रोसेस है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है. व्हाइल इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो फॉस्फोराइलेशन है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है। और इसमें हमने बात की कि इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट H2S यूज करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि इसमें तो और कुछ कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट H2O यूज होता है, तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, और यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो हमको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है फोटोसिंथेसिस का। उसी तरीके से एग्जाम्पल है कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस है तो ये अल्टीमेटली बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होगा, तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोट्रॉफिक, हेलियोट्रॉफिक and acidobacteria. So these are the examples of bacterial photosynthesis. And for plant photosynthesis, example like in almost all the plants and algae. So there is a diagram. ये एक absorption spectrum diagram है जिसमें different pigments का different absorption spectrum दिखाया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया क्लोरोफिल की, जो कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो अराउंड 800 नैनोमीटर लाई करता है। दिस फर्स्ट इज बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड दिस फर्स्ट इज अराउंड 800 नैनोमीटर। और इसका जो रीजन है ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन पे, ये इंफ्रारेड रीजन वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और उसी तरीके से जो बाकी सारी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, बी, फाइको, इरिथ्रोबिलिन, बीटा कैरोटीन, ऑल दीज पिगमेंट्स लाई बिटवीन the visible spectrum that is around 450 to 700 nanometer. ये 700 और ये around 450 इन इस area में बाकी सारी pigments जो हैं वो इस visible spectrum के region में lie करते हैं, while जो bacteria chlorophyll है वो infrared region में lie करता है, उसका absorption spectrum that is around 800 nanometer. So I hope this is clear to all of you. So thank you so much.